आप सभी को प्यार भरा जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कायदे नंबर 3 का पलटा नंबर 6, जो कि हम लोग पलटा नंबर 4 और 5 ये सब सीख लिए थे। अब बच गया था पलटा नंबर 6 सीखना। तो पलटा नंबर 6 का बोली इस प्रकार है, धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धागे तीना कीना ता तेटे ता तेटे ताता तेटे ताता तेटे ताता धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धागे धीना कीना। अब देखिए इसे हम कैसे बजाएंगे, एक एक बोल को बजाना सीखेंगे, है ना। एक एक बोल को बजाना सीखेंगे, साथ में इस पलटा को ठा दुगुन और चौगुन में भी बजाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस पलटे को बजाना सीखें। देखिए धा कैसे बजाएंगे, तो धा बजाने के लिए ये हो गया ब्लैक वाला जो भाग देख रहे हैं इसे हम स्याही कहेंगे, ये वाइट वाला जो भाग देख रहे हैं इसे लॉ कहेंगे, और इसे चाटी कहेंगे। सेम पैटर्न रग्गे में भी है, स्याही मैदान चाटी। अब देखिए धा कैसे बजाएंगे, तो धा बजाने के लिए सबसे पहले हम अंगल को कहाँ रखेंगे, देखिए अंगल को सबसे पहले ये ब्लैक वाला भाग और ये वाइट वाला भाग देख रहे हैं इसके बीच में हम रखेंगे, जिसे हम लॉ कहते हैं और इसे हम स्याही कहते हैं। इसके बीच वाले भागों में ऐसे इस प्रकार हाथ को रखेंगे, ठीक। और ये बीच वाला भाग थोड़ा उठा रहेगा, ये जो बीच वाला अंगल देख रहे हैं इसे हम थोड़ा उठा करके रखेंगे और चाटी पर फर्स्ट फिंगर से आघात करेंगे इस प्रकार। तो फर्स्ट फिंगर से आघात करेंगे तो ता या ना शब्द की आवाज़ आएगी, देखिए ता या ना, इसे ता भी कह सकते हैं या ना भी कह सकते हैं, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब है देखिए अब डग्गे पर क्या बजाएंगे, तो डग्गे पर बजाएंगे इस प्रकार हाथ को रखेंगे और डग्गे पर बजाएंगे गे 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 को बजाएंगे, ठीक। चाटी पर ना और डग्गे पर गे, ये दोनों मिलकर के बनता है धा, ठीक है, ये दोनों मिलकर के बन जाएगा हमारा धा। अब बोले हमारा धा तेटे, अब तेटे कैसे बजाएंगे, तो तेटे बजाने के लिए स्याही के बीचों बीच तेटे इस फिंगर से मध्यमा और तर्जनी से तेटे धा तेटे धा तेटे, बोल है धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा धा तेटे धा तेटे धाधा, है ना, तेटे धाधा तेटे धाधा इस प्रकार धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा इस प्रकार, ठीक। अब ये तो बजाना सीख लिए, धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा। अब देखिए इसे हम सारे बोल के एक्सप्लेन करते हैं, अबे दोस्तों धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धागे धीना गिना या तीना गिना। अब देखिए इसे कैसे बजाएंगे, तो धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धागे तीना गिना या तीना गिना तीना गिना या तीन तीना गिना, जो भी बजा सकते हैं, ठीक। अब इसे कैसे बजाएंगे, तो देखिए धा बजाना तो हमने फर्स्ट में ही बता दिया धा कैसे बजाएंगे, ठीक। धा अब तेटे स्याही के बीचों बीच धा तेटे धा तेटे धाधा, है ना, इस प्रकार धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धागे तीना कीना या गीना तीना गीना इस प्रकार, है ना, इस प्रकार देखिए। या कीना कैसे बजाएंगे, तो कीना गीना, है ना, धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धागे तीना गीना या धा तेटे धा तेटे धाधा ती चाटी पर और सॉरी ती लौ पर और चाटी पर ना, इस प्रकार ती लौ पर और चाटी पर ना, है ना, तीना। अब देखिए सारे बोल को एक्सप्लेन करते हैं, धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धागे तीना कीना ता तेटे ता तेटे ताता तेटे ताता तेटे ताता धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धागे तीना कीना। अब धीना गिना अंत में लगाए, अब देख लीजिए अब तीना गिना वाला भी आप देख ही लीजिए, है ना, धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धागे तीना कीना ता तेटे ता तेटे ताता तेटे ताता तेटे धाधा धा तेटे धा तेटे धाधा तेटे धागे तीना कीना तीना कीना इस प्रकार। अब है खाली वाला भाग,
अब इसे सीखते हैं। इसका बोल है ता ते टे ता ते टे ता ते टे ता ते टे धाधा धा ते टे धा ते टे धाधा ते टे धागे धीना गिना, या ताता भी यंत्र बोल सकते हैं। देखिए या इस प्रकार, अब देखिए दोस्तों इसे कैसे बजाएंगे। तो सबसे पहला बोल है ता, ता को बजाने के लिए चाटी पर मैंने फर्स्ट में ही बता दिया था कि धा कैसे बजाएंगे, है ना, उसी में बता दिया था कि इस पर ता और ना बजेगा चाटी पर ही, इसे ता भी कहेंगे ना भी कहेंगे, है ना। इसे ता ता ते टे, ते टे स्याही के बीचों बीच, ता ते टे या ते टे, इस प्रकार ते टे दोनों है, दोनों एक ही समान है, आप जिस प्रकार से बजाएं, है ना, ते टे ते टे इस प्रकार भी बजा सकते हैं, है ना, ता ते टे, है ना, ता ते टे ता ता, ये तो समझ गए होंगे, ता ते टे ता ता ते टे ता ता ते टे ता 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 ते टे ता ते टे ता ता ते टे ता ता ते टे ता ता, ये तो बजाना समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए धाधा कैसे लगाएंगे, धाधा भी बजाना आप लोग सीखिए लीजिए, है ना, ता ते टे ता ते टे ता ता ते टे धाधा ते टे धाधा। अब आप लोग सोचते होंगे कि धाधा कैसे लगाए, तो देखिए इस प्रकार, इस प्रकार दोस्तों। अब है अब देखिए इसे कैसे बजाएंगे, तो ये भी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं बजाना, ठीक है, धा तो चाटी पर ही बजाएंगे, चाटी पर और डगे पर, ये दोनों मिलकर के बनता है धा, इस प्रकार धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धागे धीना गीना धीना गीना। अब देखिए दोस्तों धीना गीना कैसे बजाएंगे, तो धीना गीना जैसे लौ पर तीन, तीन और डगे पर घे, ये दोनों मिलकर के बनता है धीन और चाटी पर ना धीना, नॉर्मल है, है ना। अब देखिए हम लोग इसे ठा किले में, दुगुन किले में, चौगुन किले में सीखेंगे। देखिए दोस्तों था किले कहने का मतलब रियाज करने के लिए, है ना दोस्तों, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें था किले में सीखना पड़ता है ना, तभी तो हम लोग अच्छा से अच्छा तबला प्ले कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे रियाज करना सीखें और किस प्रकार करना है इसे सीखें। तो बोल है धा ते टे धा ते टे धाधा ते टे धाधा ते टे धाधा धा ते टे धा ते टे धाधा ते टे धागे धीना गिना। इस प्रकार इसे बजा लिए। अब देखिए अब थोड़ा स्पीड करेंगे दोगुन में, देखिए अब इसे और थोड़ा फास्ट करेंगे,